स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। अभी हम आपके सामने एक अनबॉक्सिंग लेके आए थे अली का गैस स्टोव की, कुक टॉप है, ठीक है। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, तो वो डैमेज कंडीशन में था, ठीक है। उसका बॉक्सिंग भी कुछ अच्छा खास नहीं था, दैट्स व्हाई उसका जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो डैमेज थे, ठीक है। जो उसके मेटल पीसीस थे, लेग्स थे, वो सब डैमेज कंडीशन में थे, तो हमने उसको रिप्लेस करवा लिया है। वो रिटर्न करके एक न्यू कुक टॉप उन्होंने भेजा है, ठीक है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि ये हमको करेक्ट कंडीशन में मिला है या नहीं, ये डैमेज तो नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार इसकी पैकेजिंग देखिए कितना अच्छा दोस्तों, ये देखिए साइड में इसके गार्ड्स दिए हुए हैं और काफी हैवी टाइप के हैं। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ, ये मैंने क्यों अलीका कुक टॉप मंगवाया है, ठीक है। ये एक्चुअल में जंबो साइज का कुक टॉप है, ठीक है। इसमें 3 बर्नर्स का है और 3 बर्नर्स के साथ 3 बर्नर्स के साथ ही इसमें एक जंबो बर्नर है, सुपर वीक बर्नर, ठीक है। तो आइए देखें दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसका पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इधर से करेक्ट पोजीशन में है आपके सामने। अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ये थर्मोकोल इसके जो है जिसके लगे हुए हैं वो हटाते हैं। इसका डायमेंशन जो है नॉर्मल गैस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन जो इसके बर्नर साइज है वो काफी अच्छा है, दैट्स व्हाई मैंने ये मंगवाया है, ठीक है। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं, सो दैट आपको भी आइडिया लग सके कि हमको कौन सा कुक टॉप मंगवाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमने अनबॉक्सिंग इसका ऑलमोस्ट हो चुका है। ये इसके यूटेंसिल स्टैंड्स हैं, इसके 3 बर्नर्स के साथ में, ये देखिए। इसका इंस्टॉलेशन सर्विस गाइड दिया हुआ है, वारंटी मैनुअल है ये बेसिकली। इस पर ये गुड कंडीशन में दिख रहा है, हमको कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। हम आपको कंपेयर करके दिखाते हैं, सो दैट आपको भी आइडिया हो कि हमने ये क्यों मंगवाया है, सुपर बिग बर्नर इसमें क्यों बोला जाता है। ये एक स्मॉल साइज बर्नर है, ये एक बिग साइज बर्नर है। एक्चुअल में अगर आप 3 टॉप बर्नर लेते हो तो ये स्मॉल साइज होता है, ये बिग साइज होता है और एक मीडियम साइज होता है। बट इसके अंदर ये देखिए आपके सामने, इसका साइज आप चेक करके देख सकते हैं, इन तीनों को, स्मॉल, बिग और सुपर बिग, दिस इज कॉल्ड जंबो बर्नर। इसमें काफी अच्छा गैस इग्निशन काफी अच्छा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो अगर आपको जैसे भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैंने, मेरी नीड थी कि जंबो बर्नर का रिक्वायरमेंट था तो मैंने ये मंगवाया। तो आप देख सकते हैं इस बार फिनिशिंग भी ठीक है, कहीं से अभी तक मुझे डैमेज लग नहीं रहा है। एक बार हम पीछे से इसको चेक करा के दिखाते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों, कहीं से इस बार कोई लेग्स वगैरह से कोई डैमेज नहीं है, ऑल ओके है फ्रॉम एवरी साइड। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इनका कंडीशन दिया हुआ है ये, और ये देखिए गैस कनेक्शन, इसका गैस कनेक्शन जो पाइप है वो बैक साइड से है, ताकि आपको आगे की तरफ से कहीं कुछ नजर ना आए, जस्ट लाइक होम, ठीक है। जो आपके गैस होब्स आते हैं उसी टाइप से इसकी कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि साइड से आपको वायर कहीं नजर आ रही है कुछ इस टाइप से। ये देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप पीछे से इसमें गैस कनेक्शन पाइप अटैच करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसका एक रिव्यू भी आपको देंगे, इसी वीडियो में आपको एक वीडियो रिव्यू भी दे देंगे इसका, हम यूज करेंगे जब इसको। इसकी कंडीशन ऑल ओके है फ्रॉम एवरी एजेस, तो हम इसको इंस्टॉलेशन एंड ऑल स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, फिनिशिंग के साथ अभी आपके सामने ये प्रेजेंट है, आप दिखा सकते हैं प्लीज। ये सुपर जंबो बर्नर है,
ये स्मॉल साइज बर्नर है और ये मीडियम साइज, एक्चुअल में इट्स नॉट मीडियम, ये बिग साइज है और ये जंबो बर्नर है। इसका मॉडल और डिस्क्रिप्शन जो है हम लिंक में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे इसका जो मॉडल है वो जंबो के नाम से ही है, एलिका जंबो 370J, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को हमारे न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। थैंक यू।